50,000 के एसी खरीद लिए थे, बात हमारे मन के कहे हुआ सर, 500 के पेड़ एक लेके लगाई दी, एक एक जने अगर ज्यादा ने अगर 1,000 लोग कहिए तो एक जने 1,000 पेड़ शुरू होगी, 1,000 पेड़। भाई साहब सुबह सुबह वाला नजारा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और इस टाइम राइड करने का मजा, घूमने का मजा, क्या पूछना भाई, क्या पूछना यार, कसम से दिल खुश हो जाता है। लेकिन अभी कुछ देर के बाद में जैसे 7 बजेगा 8 बजेगा ही फिर समझ में आएगा भाई कि हाँ मौसम अपने रंग कैसे दिखाता है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वही ब्लॉग में। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले पचपड़ा में कहीं पर हम रुक कर भाई नाश्ता करेंगे, क्योंकि घर पे नाश्ता करने का अगर सोचेंगे तो दोपहर तक खाली पेट ही रहना पड़ेगा, इसीलिए कि इसी टाइम हम जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए। और किसी का फोन आ रहा है, थोड़ा फोन उठा ले, बात कर ले, देखिए कौन है भाई सुबह सुबह। बाकी ये नज़ारा पचपड़े चौराहे का आप देख सकते हैं, जबरदस्त यार भाई। बाजार जो होता है ना, बाजार में आपको सुबह सुबह हर चीज़ मिल जाना चाहिए था, लेकिन यार हमारा पचपड़वा जो है वो 7 बजे से पहले कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर किसी को कहीं पर जाना है, ट्रेन पकड़ना है या और कुछ करना है, अगर घर से कुछ खा पी के नहीं निकलता है ये, तो वो समझ लीजिए कि भूखा ही रह जाएगा, भूखा रह जाएगा यार, कुछ मिल नहीं सकता यहाँ पे। तो सीधे चलते हैं भाई घर पे, अगर कुछ रहेगा तो खा लेंगे, नहीं तो भाई भूखे ही जाना पड़ेगा। बाकी ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी, चलो कम से कम वहाँ रुक कर इंतज़ार नहीं करना पड़ा, जब तक पहुँचेंगे पहुँचेंगे तब तक ट्रेन निकल जाएगी, उसके बाद में गेट भी खुल जाएगा। ये सबसे बड़ी मजबूरी हमारी है, दोनों टाइम जब भी मैं आता हूँ तब भी गेट बंद पाता हूँ मैं। इतनी ट्रेनें चलने लगी इस पर, इतनी ट्रेनें चलने लगी कि क्या बताएं। अरे रे 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 भाई अब तो गिरे रहन यार, खोल दे भाई, पहुँचत पहुँचत खोल दे यार, कम से कम यार खड़ा ना हो पड़े भाई हमें। चल भाई चल, खुल गया यार साला, बिना इंतजार किए बिना रुके ही काम नहीं हो सकता है, चाहे 30 ही सेकंड रुकना पड़े लेकिन रुकना पड़ता है। और सूरज भी भाई काफी ऊपर आ चुका है यार, देख सकते हैं कि टाइम कितना हो गया। बाकी नज़ारा देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, सुबह वाली फीलिंग जो होती है भाई बहुत जबरदस्त की होती है यार, बहुत जबरदस्त की होती है भाई। देख भाई साहब, अगर मैं अपनी ब्लॉग बनाना चाहूँ रोज ही, तो खुद मेरे ऊपर ही इतनी कहानी बन सकती है, इतनी मतलब बात हो सकती है ही, कि मुझे इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या करें भाई, मैं हर बात अपनी शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उसमें अपनी में थोड़ा सा बेइज्जती महसूस करता हूँ ना, इसीलिए नहीं कह पाता हूँ मैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मतलब कहने से मैं हिचकिचाता हूँ। अरे यार इतना तेज गाड़ी मत चलाया कर भाई, थोड़ा आराम से चला कर यार, जान है तो जहान है भाई। एक काम हमारा यहाँ का रह गया है, कृषि विज्ञान केंद्र वाला, वहाँ पर कुछ जानकारी करनी थी और वो जानकारी अभी तक नहीं कर पाया मैं। एक दिन वीडियो में दिखाया था कि आएंगे, दूसरे दिन अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। देखो टाइम जब मिलता है तब जाएंगे यार, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ जानकारी मुझे मिल सकती है, बकरी पालन से लेकर खेती तक के हर एक चीज़ की मतलब जानकारी मिल सकती है। थोड़ा मैं रुका हूँ अपने गाँव के रोड पर, जो हमारे गाँव से मेन रोड जोड़ता है, वहाँ पर रुके हैं, तो कुछ ही काम भी है, काम हम कर लें। और इसमें भी बता देते हैं भाई, जो बेहतर समझो पर वीडियो देख रहे हैं हमारी, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, वहाँ पर आप लोग शिकायत बार बार करते हैं कि यार वीडियो नहीं आता है, वीडियो नहीं आता है, वीडियो आप लोग नहीं अपलोड करते हैं। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार वीडियो जाता है वो अपने टाइम पर ही जाता है, बस ये है कि नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता है तो आप लोगों को पता नहीं चलता है। वो जब नोटिफिकेशन ना जाए, टाइम हो जाए, तो भाई आप लोग खुद जाके प्रोफाइल पर चेक कर सकते हैं कि हाँ वीडियो पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और वहाँ पर वीडियो हमारा वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी कल ही की बात हम बता दें, कल वीडियो अपलोड हुआ था लेकिन नोटिफिकेशन ना जाने की वजह से बहुत लोगों का शिकायत आया मेरे पास कि भाई वीडियो नहीं अपलोड किया है। तो भाई उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जाइए और प्रोफाइल पर यानी पेज पर, और वहाँ पर सर्च करिए, उसके बाद में देखिए आपको वीडियो मिल जाएगा नया, तो वो लोग वीडियो अपना देख सकते हैं। काफ़ी ज़ोरदार की वीडियो है, ज़बरदस्त वीडियो है, देखिए और इन्जॉय करिए, काफ़ी अच्छा वीडियो, समझने वाली वीडियो है। तो चलते हैं, एक रील बनाते हैं, उसके बाद में फिर निकलते हैं यहाँ से हम। अगर मर्द को तकलीफ़ है भाई, तो उसकी तकलीफ़ को समझने वाला कौन है? एक ही मर्द समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। वो किस दौर से गुजरता है, किस दौर से अपनी परेशानियों को लेकर झेलता है, वही समझ सकता है। बाकी क्या,
भाई सबकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, चाहे जैसे पूरी होनी चाहिए। कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सबको खुश रखना चाहिए। लेकिन हमें क्या हुआ है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या परेशानी है, ये मर्द की तकलीफ कोई नहीं समझ सकता है। वो अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी किसी से तो बयां नहीं कर सकता है। भले तकलीफ में हो, दर्द में हो, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ हंसी ही दिखेगी और कुछ नहीं। नावड़ी में एक होटल है जी, तो वहाँ पर आज हम रुकते हैं फर्स्ट टाइम। कम से कम हो गया 6-7 महीने खुले और अभी तक मैं वहाँ पर नहीं रुका था, लेकिन आज रुकूंगा और देखूंगा कि मतलब वहाँ पे क्या मिलता है। तो कुछ खा पी लेंगे तो थोड़ा सा मतलब पेट में दम हो जाएगा। जब पेट में जान रहेगी भाई तभी दिमाग काम करेगा, तभी दिमाग चल पाएगा। तो आज यहीं पर कुछ खाते हैं, उसके बाद में तब आगे निकलते हैं। नावड़ी पहुँच चुके हैं हम और यही है सामने वाला होटल, आप देख सकते हैं। तो पहले गाड़ी हम यहाँ पर खड़े करते हैं, उसके बाद में तो फिर जाएंगे। वैसे भी बाहर का चीज़ हम खाने में ज़्यादा इच्छुक नहीं रहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खाना ही पड़ेगा। भैया अपने दुकान में हो है, तो ला जलेबी दो, भटूरा दो, चना दो, एक जगह लगाओ हमें। कब है आइए भैया, मटर ला जल्दी बेटा लाओ। भैया भैया मजबूत नहीं है, दो भटूरा और जलेबी खाई के और यही आराम के तब सोए बाबा थे, उसके बाद में तब फिर निकली थे हम। और जब तक सब तैयार हम तब तक हम बिडुए निकलेगा जी आवें, चाहे जब का कर दिखाए। काफ़ी टाइम यहाँ पर रुककर हमने अपना ख़राब कर दिया। अगर मुझे इस चीज़ की जानकारी होती ही तो मैं कब का पहुँच गया होटल सेट पर अपने, जहाँ पर वीडियो शूट होनी है। लेकिन चलिए इसी के औज में हमने बढ़िया से नाश्ता कर लिया। तैयार हो के आदमी सवेरे निकल लिया था कि चलो जुड़े जुड़े काम हो जाए। और भाई यही दुनिया से क्या जान लो कि इतना तेज के मतलब ही लफट लागे थे दहिया में यहाँ, और एकदम पसीना से बनियान भीगा है। हमारे आम के पेड़ के नीचे ये देख जो बैठ गई, ये अपन रील वीडियो एडिट करा से डाले करती, और हम अपन जो नहीं वीडियो एडिट करके कंप्लीट दे चुके हैं। लेकिन अब ही डालब ना, अब घरे जाबे तब ओकरे बाद में का डालब। एक बारे में तुम्हारा का ख्याल है कि इतना टाइम हो गया अभी कोनो काम नहीं शुरू है। टाइम कहाँ भाई, टाइम तो अभी 7 बजे थे 8 बजे थे। कुल मिलाए के माँ गलती यह है कि आजकल सुबेर उबेर ना ही होते भाई, जो ने क्लियर बताई थे रात सो सुबेरे उठो सीधा देखो दोपहर 5 बजे उठे पड़ा था, छतब लेटो धुपोस 5 बजे वाला गर्म रहा थे। गर्मिया तो रहा था, कहाँ से काम कहीं मिली, तभी बगिया हेरो या कहूँ चलत फिरत करे पड़ा था। जो रहा तो गर्म तो रहा था, लेकिन भाई सुबह 5 से लेकर 6 तक के जो मौसम रहा था ना, बहुत मजेदार रहती है भाई। निकल के तो देखो घर से घूमे टहरे जाओ तो पता चले यहाँ कितना मजेदार रहता है भाई। हमारे हिसाब से हर जगह मौसम ऐसे है, वहाँ बताओ जरूरत ना है, सब जने जाने थे कि कई बजे गर्म होते। आप लोग बताओ कई बजे होते, 5 बजे होते कि 6 बजे होते कि 8 बजे होते। यमहान सिर्फ गरीब आदमी बता ही सकता है, ठीक है। गर्मी से गरीब पे काली देखे, बहुत ये देखे, काली देखे, बरसात वो झेले, ठंडी वो झेले, गर्मी वो झेले। और बड़े लोगों के तो भाई बातें कुछ और है यार, एसी में यहाँ रहते हैं, एसी में यहाँ चलत है, एसी में यहाँ काबले हर काम करते हैं। तो वो पंचर है ना, पंचर है, पंचर है। अरे कैसे पंचर है, अरे यार एसी में रहे वाले की हालत खराब है। क्या बात कर, तब कहो भैया एसी में यहाँ जे राहत हुई ना, वह जरूर यार कमेंट करके बताई कि मतलब एसी वाले के ठीक है कि गरीब। अभी ना कमेंट करियो कि हमारे एसी ना है तो हमें जलन होता है। हम ऐसा कोनो बात नहीं, एसी के बारे में बहुत कुछ हमें नॉलेज है और एसी में ही हम बहुत रहे हैं, ठीक है। ये 46-47 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। 32-34 रात समझ में आते कि रूमवा में यहाँ 18-16 किलो टेम्परेचर हुआ, लेकिन 46 से कहाँ 16 करें। अरे या तो मीटरवा के बिला दिए दिए हालत पंचर हो जी, और या तो फिर एसिया का हालत पंचर हो जी। हाँ अपने दहिया के सुखा पावे करती, चाहे वह बिला काबले भरे और चाहे बिला एकदम फाड़ के आवे, वका नहीं देखत है दहिया सुखा। हमारे कहे मतलब सिंपल है भाई, 40,000-45,000-30,000 से ऊपर एसी आवत है, चाहे 1 टन लियो चाहे 1.5 टन लियो चाहे 2 टन लियो, ठीक है। और पेड़ जाबो खरीदे 500 से 1,000 रुपया, 50,000 के एसी खरीद लिए थे। ये बात हमारे मन के कहो भाई, 500 के पेड़ एक लेके लगाई दी, ये केक जने अगर
ज्यादा ने अगर 1000 लोग कही दे तो एक जने 1000 पेड़ शुरू हो गई। 1000 पेड़ से ना बहुत फर्क पड़ेगी। 500 रुपया नहीं 50 रुपया लागत है। और जो टेम्परेचर वा जो तापमान वा भाई आप लोग देखा था ना, यह वजह है कि जो पेड़ ही एकदम से निर्धारित हो चुका है, बरसात आ गया है, पेड़ खरीदो 50 रुपये के उठू और जितना लोग हो सब एक एक पेड़ लगाई दियो। अगर एक एक पेड़ लगाई दो तो न जाने कितना पेड़ हो जाए। जब पेड़ हो जाए केरला वरला देख लो, केरला कर्नाटक तमिलनाडु ये सब भाई देख लीजिए जगह, हर घर पर 2-4-10 पेड़ लाग रही, वहाँ चारों तरफ पेड़ पेड़ दिखाई, आपका घर मकान नहीं दिखाई। पिछले साल वीडियो देखे हो बोमरे, तो वहाँ के आबो हवा वहाँ के तापमान हर एक चीज़ नॉर्मल रहते करे। भले साल के बारह मास वहाँ गर्मी रहता है लेकिन मौसम नॉर्मल रहते, कोई दिक्कत नहीं रहते। और हमारे यहाँ बताओ ये भी मई हुए, अभी जून बाकी है, जुलाई बाकी है, अगस्त बाकी, सितंबर बाकी है, अक्टूबर तक के एकदम जान लो फाड़े रहते हैं, गर्मियाँ फाड़े रहते हैं। ये बिल्कुल दिखावत है इंस्टाग्राम पर कि 9 बत्ता की 9 पत्ता कुछ चालू है और 9 दिन तक मतलब गर्मी रही, मतलब ये जाइए। अरे कहाँ दिए यार, कहाँ दिए साल के बढ़ा। हमारे हर सलिए देखे थे क्या लोग कुल्ला बताओ कुल, हमारे जानित है। बस ये है कि पेड़ लगाओ अब की बार भाई, सब लोग एक एक पेड़ लगाओ, 50 रुपया अपने जेबी से खर्चा करिए भाई, और पेड़ लगाए बहुत जरूरी है। हाँ जब पेड़ लगी तब ये चीज़ कल खत्म हुई।